हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक केशव फिल्म्स में। दोस्तों, आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जो है आज देहांत हो गया है। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटल में थे, और उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के ज़रिए ये कन्फर्म किया कि उनकी जो है आज डेथ हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज करेंगे उनके बारे में बात, सो लेट्स स्टार्ट। 84 साल के प्रणब मुखर्जी जो हैं लगातार कोमा में थे और उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक में जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे जो है ऑक्सीजन लेवल भी रुक जाता है। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो वहां पर कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। मुखर्जी के ब्रेन में जो है ब्लड क्लॉट जम गया था, जिसका ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद ही जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। वो 2012 से लेकर 2017 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी के परिवार में उनके दो बेटे हैं और एक बेटी हैं। उनके बेटों के नाम हैं अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। वहीं उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। उनकी तबीयत जो है काफी लंबे समय से खराब भी चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन सब लोग चाह रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और वापस से स्वस्थ हो जाएं। पिछले साल उनको बेस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये अवार्ड जो है उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों, आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहां पर भी हों खुश हों, और आप लोगों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप आप लोग वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास मेरे को सजेशन हो तो प्लीज कॉमेंट में बताइए, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो 4 PR वीडियो सब्सक्राइब टू मयंक केशव फिल्म्स। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के आप ऑल नोटिफिकेशंस को टिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।